बात करेंगे बिलासपुर जिले की। ग्रामीण परिवेश से आने वाली बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एनटीपीसी दिन प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे बेटियां यह साबित कर सके कि उनमें योग्यता व कौशल की कोई कमी नहीं है। इसी कड़ी में एनटीपीसी सीपत के आवासीय परिसर में एनटीपीसी के नयगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत आयोजित 28 दिवसीय बालिका सशक्तिकरण अभियान का समापन हुआ। इस अभियान में 120 बेटियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किए। एनटीपीसी प्रबंधन ने पारंपरिक ढंग से अतिथियों का स्वागत सेहरा पहनाकर किया। प्रतिभागी बालिकाओं ने पर्यावरण संरक्षण, जल ही जीवन, नारी सशक्तिकरण, आत्मरक्षा के गुर आदि विषयों पर अपनी प्रस्तुति के माध्यम से संदेश दिया, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने बालिका सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से बालिकाओं की प्रतिभा में निखार लाने एनटीपीसी द्वारा चलाए गए इस पहल को अनुकरणीय बताया। उन्होंने शुभकामना देते हुए कहा कि एनटीपीसी सीपत ने इन बच्चों को हीरे के जैसा तराशा है, जो आने वाले दिनों में अपने सपने को साकार करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगी। एनटीपीसी सीपत के द्वारा बालिका सशक्तिकरण अभियान 2023 परियोजना प्रभावित 36 गांव के 51 स्कूलों के 120 बच्चियों को 28 दिन आवासीय प्रशिक्षण देने का काम किया। विषय के साथ साथ कला, पेंटिंग और आत्मरक्षा, ऐसे गुर इन बच्चों को इन 28 दिनों में सिखाया गया है। इन 28 दिनों में जो आत्मविश्वास, जो हौसला इन बच्चियों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से ये बच्चियां सशक्त होकर आने वाले समय में अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन करेंगी। मैं इन सभी बच्चियों को बहुत बधाई देता हूँ। ये जो बालिका सशक्तिकरण अभियान एनटीपीसी सीपत का द्वारा 28 दिन को जो दिया जा रहा है, ये क्या करके बच्चों जो पढ़ रहा है पांचवा क्लास से पढ़ाई करके छठवां में जो जाने वाला होगा, तो समर कैंप जो गर्मियों के दिनों में जो उनका छुट्टियाँ है एक महीने में, उनको जो यूटिलाइज करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है एनटीपीसी का। हर स्टेशन में ये हो रहा है, 38 स्टेशन में हो रहा है, तो उनके लिए ये जो छुट्टियाँ में है, छुट्टियाँ नहीं मनाए, वो छुट्टियों में अपना उपयोग करें उनको सब्जेक्ट्स के बारे में, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, और इसके अलावा म्यूजिक, डांस भी सिखाया जाता है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 36।